सलाम। एक तिजारत में जैसे कल आपने कहा था सिर्फ एक ही सेंटेंस था, एक तिजारत में दो मुनाफे नहीं होते, तो इसके कुछ एग्जांपल या फिर मतलब मैं नौकरी भी करता हूँ प्लस मेरे जो यहाँ पे मैं काम करता हूँ उसके अंदर मैं बिजनेस पार्टनर भी हो जाऊँ, जैसे कुछ पैसे लगाऊँ और उससे भी फायदा है और प्लस मैं नौकरी भी कर रहा हूँ तो उसका भी फायदा उठाऊँ, तो क्या ये दुरुस्त होगा? आपको एग्जाम्पल चाहिए? ये बेईना है। एक ही सामान में दो बय उसके अंदर हो रही है। सामान एक है, सामान एक और दो बय हो रही है, एक बय ख़त्म होने से पहले दूसरी बय उसके अंदर कर ली जा रही है। अगर ऐसा किया जा रहा है मन बा बय अतई नफ़ी बय फलाह अव कसो हो अविर रिबा, अबू दाऊद की रिवायत है। जिस शख्स ने एक सामान में दो बय किया, इस रिवायत के अंदर ये जिक्र किया गया, फला हुआ अवकसो हुआ, तो उसे दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा या दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो उसका हकदार होगा। तो दरअसल दो बय एक सामान के अंदर करना, उसकी शक्लों में से एक शक्ल बय ईना है, जिसका तज़किरा कल किया गया कि एक शख्स कोई भी सामान किसी से एक मुतय्यन रकम के बदले में ख़रीदता है उधार, एक माह दो माह छः माह के लिए उधार के तौर पर ख़रीदता है, और इससे पहले कि वो उसके पैसे अदा करे बेचने वाला शख्स कम पैसे में जितने में बेचा है उधार उससे कम पैसे में नकद ख़रीद लेता है उसी सामान को, तो एक ही सामान है पर उस पर दो बय वाक़े हो रही है और ये दोनों बय उसी एक सामान ही पर वाक़ हुई है, बीच में दूसरा और तीसरा कोई सामान नहीं है। ये एग्ज़ाम्पल है उसकी जो कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है, और भी इसके एग्ज़ाम्पल मिल सकते हैं। जैसे अभी ये बात आई कि आपने कंपनी से सामान जब ख़रीदा डेबिट कार्ड के ज़रिए से, तो उसके पास सामान मैसर नहीं था, उसने जा कर के ख़रीदा और ख़रीदने के बाद आपके पास उसे भेज दिया और ये बता दिया कि इतने पैसे का ये सामान है, इतने पैसे आप हमें दे दें। यहाँ दो तरह के अक़ूद हैं, दो तरह के मामलात हैं जो एक ही सामान के ताल्लुक़ से मिले हुए हैं। एक वो है जिसका नाम ख़रीदना और बेचना है कि उस शख्स ने ख़रीदा है, और दूसरा इजारा है मजदूरी जो उसने उसके साथ जोड़ करके हमें दे दिया है। तो एक ही सामान पर दो अक़्द इसके ऊपर भी हो गया है। तो बैक वक्त किसी एक सामान पर दो अक़्द होना सही और दुरुस्त नहीं होता।